ये तस्वीरें हैं ओवैसी के स्वागत की, जहां कोरोना नियमों का ध्यान तो क्या रखना था, जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल यूपी का चुनाव नजदीक है और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने गाजियाबाद का रुख किया और वहां अपनी पार्टी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। लेकिन ओवैसी रास्ते में जहां जहां गए, समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और आने वाले चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत का दावा कर दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी के इस दौरे के राजनीतिक मायने काफी ज्यादा रहे, लेकिन कोरोना के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके स्वागत में जिस तरह का हुजूम देखने को मिला, उससे कोरोना गाइडलाइंस का माहौल लगातार बनता रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना भी बेमानी रहा। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें भारी संख्या में एआईएमआईएम के समर्थक अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। उनका उत्साह इतना ज्यादा है कि वो ना तो मास्क लगाए हुए हैं, ना ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। सभी को ओवैसी के साथ सेल्फी क्लिक करवानी है, उनसे एक बार मिलना है और इसी जद्दोजहद में वो भूल गए कोरोना नियमों को और जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी के स्वागत में बाइक रैली भी निकाली गई। कुछ उत्साही समर्थकों ने बाइक के जरिए ही सड़कों पर जमकर हुड़दंग काटा और कोरोना प्रोटोकॉल्स को लगातार चुनौती देते रहे। हालांकि इन सब पर ओवैसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वो सिर्फ अपने समर्थकों से मिले, पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन किया और वहां से चलते बने। कुछ देर के लिए मीडिया से बात जरूर की, लेकिन उसमें भी मोदी सरकार और योगी सरकार पर निशाना साधना नहीं भूले। दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए, तालिबान बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी। फिलहाल ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का दावा तो कर दिया है। देखना होगा कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कितने वोट निकाल पाती है और बीजेपी को किस तरह से टक्कर दे पाती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।